हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ मोटो G32 स्मार्टफोन के बारे में। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएगा। वीडियो को लाइक के बिना मत जाएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो अभी मेन टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोटो G32 स्मार्टफोन के बारे में। तो इसका स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं पहले। इसका नेटवर्क आपको, ये 4G मोबाइल है, हमें आपको 5G नहीं मिलेगा। आपको 2G, 3G और 4G बैंड्स क्या क्या मिलेगा आपको, ये आप देख लीजिए, ठीक है। और स्पीड भी दिया हुआ है। ये अनाउंस हुआ था 28 जुलाई को और ये लॉन्च हो चुका है आज, जो है 9 अगस्त, ठीक है, आज ही रिलीज हुआ है। इसका बॉडी डायमेंशन देख लेते हैं, 161.8 × 73.8 × 8.5 mm, ठीक है। इसका जो वेट है वो है 184 ग्राम। इसका बिल्ड जो है वो है ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बैक, ठीक है। इसमें आपको डुअल सिम मिल जाएगा, नैनो सिम डुअल स्टैंडबाई के साथ में, और ये वाटर रिपेलेंट डिजाइन में आता है। इसका डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये IPS LCD डिस्प्ले के साथ आता है जो 90Hz सपोर्ट करता है, और इसका जो साइज है वो है 6.5 inches, 102 cm², और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 85.4%। इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 1080 × 2400 pixels, और ये 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में आता है। और इसका जो पिक्सल पर इंच डेंसिटी है वो है 405। अभी प्लेटफॉर्म देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 12 में चलता है और इसका जो चिपसेट है वो है प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर, 4G प्रोसेसर जो 6 नैनोमीटर में बेस्ड है। इसका CPU ऑक्टा कोर है और इसका जो GPU है वो है एड्रीनो 610। अभी मेमोरी कार्ड स्लॉट देखिए, आपको मिल जाएगा माइक्रो SD कार्ड XC, इज ए शेयर्ड सिम स्लॉट। यहाँ में आपको ट्रिपल स्लॉट नहीं मिलेगा, आपको डबल स्लॉट ही मिलेगा। ये एक ही वेरिएंट में आता है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में। इसका अब कैमरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका ये आता है ट्रिपल रियर कैमरा के साथ में, जो प्राइमरी कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, f/1.8 aperture के साथ में आता है। जो सेकेंड कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, f/2.2 aperture के साथ में आता है। ये 180° अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा का काम कर देता है। और फाइनली जो लास्ट कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का, f/2.4 aperture के साथ में आता है। ये मैक्रो या फिर डेप्थ कैमरा का काम कर देता है। फीचर्स देखिए, आपको यहाँ में LED फ्लैश मिल जाएगा, HDR, पैनोरामा सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ में आप वीडियो कर सकते हैं 1080p 30fps में। अभी सेल्फी कैमरा के बारे में से थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये PDF का गूगल ड्राइव लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके फिर से देख सकते हैं और जहाँ से आप इस फोन को खरीद सकते हैं। और मोटो रोला का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां में जाके आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं इस फोन को, ठीक है। अभी सेल्फी कैमरा के बारे में देख लेते हैं। यह आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का, सिंगल कैमरा ही, f/2.4 aperture के साथ में आता है। ये भी वाइड एंगल का काम कर देता है। इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p 30fps में। साउंड देखिए, आपको यहाँ में लाउड स्पीकर भी मिल जाएगा, स्टीरियो स्पीकर्स है इसमें, 3.5 mm जैक आपको मिल जाएगा। अभी कम्युनिकेशन के बारे में देख लेते हैं। वेलैंड आपको यहाँ में वाईफाई वर्जन 802.11, वाईफाई 6 के साथ में आपको मिल जाएगा, और ब्लूटूथ का वर्जन है 5.2। यहाँ में GPS आपको मिल जाएगा, NFC भी आपको मिल जाएगा। यहाँ में रेडियो आपको मिल जाएगा, USB इसका है जो वर्जन है वो है USB Type-C 2.0। अभी देखिए सेंसर सबको क्या क्या मिलेगा, मतलब फीचर्स। यहाँ में आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट, साइड माउंटेड सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जायरो सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कंपास सेंसर। बैटरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ में आपको लिथियम पॉलीमर आयन बैटरी मिल जाएगा 5000mAh का, जो नॉन रिमूवेबल है। इसमें आपको चार्जिंग मिल जाएगा 30W का, और इसमें आपको दो कलर मिल जाएगा, एटलांटिक ग्रीन और मेटेलिक ब्लूज, ठीक है। और अभी इसका जो प्राइस है, ये एक ही वेरिएंट मैंने बोला है G32 का, जो है 4GB रैम 64GB का स्टोरेज, इसका प्राइस है 12,999 rupees। और अगर आप इफेक्टिव प्राइस आफ्टर ऑफर्स, अगर ऑफर्स यूज करते हैं तो आपको ये पड़ जाएगा 11,000 7000
सॉरी 11,749 रुपीज़, ठीक है। और फाइनली मैं कुछ इमेजेस कलेक्ट करके आपको दिखाने की कोशिश किया है कि मोटो G32 फोन कैसा लगता है देखने में, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, तो आज के लिए इतना ही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।